हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीफा का किचन। आज अपने किचन में बनाएंगे हम शामी कबाब। इसके लिए हमने 1 kg कीमा लिया है, जो कि मटन का कीमा है, बीफ का भी कीमा बना सकते हैं। तो ये मैं एक कुकर में डाल देती हूँ, एक पैन में। ये देखिए, मैंने कुकर में डाल दिया अपना कीमा सारा, जो कि मेरे धुलो हुआ रखा था। और साथ ही साथ 1 किलो कीमे में आप 2 मुट्ठी 2.5 मुट्ठी चने की दाल है लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे, जो कि मैंने अच्छी तरीके से धो ली है, वो भी हम इस कुकर में डाल देंगे। ये देख ली, इसमें हमने कीमा और चने की दाल डाल दी है, ये देखिएगा। और यहाँ पर हम जब इसके साथ तो ये भी डालेंगे, मैंने थोड़ा सा मेरे घर पर थोड़ा, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ, मेरे यहाँ गर्म मसाला कम खाया जाता है। अगर आप ज्यादा गर्म मसाला खाती हैं तो इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, जायफल लिया है, जावित्री लिए, लौंग लिए, और ये मेरी काली मिर्च है, और ये मैंने 1 स्टिक दालचीनी की ली है। और ये जो मैं जायफल दिखा रही हूँ, सॉरी ये पूरा नहीं है, मैंने आपको बताया है जायफल इस तरीके से होता है, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है। और ये सबको ग्राइंडर में क्रश करके डालेंगे हम, जैसे अगर ये पीसेंगे तो, फिर वरना एक एक मसाला में निकालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिएगा, ये लहसुन है, अदरक के, ये बेलीफ है, और ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च तो हम ऐसे साबुत डाल देंगे, इसे क्रश नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये पीसेंगे तो खुद ये पिस जाएगा। और ये बेलीफ है, ये भी मैं डाल दूंगी, चूंकि मेरे धुली थी। और इसको हम बिना पानी के ग्राइंड करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको पानी डालना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी इन दालों को तो गलाने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद हमने जो गरम मसाला पीसा है बिना पानी के, वो भी हम सारे इसमें डाल देंगे। और इसी तरीके से हम जिंजर गार्लिक भी डाल देंगे, ये देखिएगा, ये भी हम ग्राइंड करके डाल देंगे, इसलिए ये ठीक रहता है, वरना फिर हम जब इसे कीमे को पीसेंगे तो फिर ये अलग अलग दिखेगा, तो वो इसे चाटने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखिएगा, ये हमने जिंजर गार्लिक बिना पानी के पीस लिया है, तो ये भी हम ऐसे करके इसमें डाल देंगे। ये भी हमारा चले गया, ये देखिएगा। और ये चम्मच के अकॉर्डिंग हमने सौंफ ली है, जो हमारी दरदरी पीसी थी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी हम इसमें डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और फिर देखिएगा, हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे पानी, जो कि हमने मिक्सर पीसा था। और अब इसमें आके हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स रह गया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैंने इसमें 1.5 या 2 चम्मच नमक लिया है, वो भी हम इसमें डाल के इसे इसमें करीब 5 विसल लगा लेंगे। 5 सीटी के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, अगर इसमें ऑयल पानी होगा तो फिर हम इसे कस लेंगे, जब तक कि ये खुश्क पानी नहीं हो जाए। अगर नहीं पानी होगा तो कोई बात नहीं, ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। तब तक फिर ठीक है, हम इसे चूल्हे पर रखते हैं, इसे 5 विसल ले लेंगे, जिससे ये दाल गल जाए। इतनी सीटी ले लें आप, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये 5 या 6 पे गलेगा, तो मैं 5 से 7 विसल लेने के बाद इसे बंद कर दूंगी, तब तक इंशाल्लाह ये गल जाएगा। ये देखिए, 5 विसल के बाद 5 से 7 में हमने और फिर थोड़ी देर स्लो पे रखा, तो हमारा इसमें पानी खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो गया, और ये हरी मिर्च वगैरह भी कट गई है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, 5 से 10 मिनट एक बड़े तावा में निकाल के, बड़े बर्तन में इतना ठंडा हम कर लेते हैं कि हमारा जार चल जाए। अगर गरम सामान पीसते हैं तो ये आपको भी पता है कि जार बंद हो जाता है, तो हम इसे एक निकाल लेंगे पूरा इस कीमे को, और इसमें जितने भी बेलीफ है वो हटा लेंगे, उसको नहीं पीसना हमें, क्योंकि उसका फ्लेवर आ चुका है इसमें पहले से ही, सारे बैली फटा लेंगे। ये देखिए, तेजपत्ता हमने उठा लिया सारा जिसमें भी, ये देखिएगा 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे बाहर रखाए थे, तो हमारा यानी कीमा इतना ठंडा हो चुका है कि मिक्सर में पीस सकते हैं इस कीमे को। तो फिर चलिए हम मिक्सर में पीसते हैं, ज्यादा बारीक नहीं पीसना हमें, थोड़ा मोटा मोटा सा ही रखना है, जैसे मैं दिखाऊंगी भी आपको, ये देखिएगा इतना मोटा मोटा हमें रखना है सारा कीमा। हमें 2 से 3 चक्कर चला के ही बस रख देना है, ज्यादा कीमा बारीक नहीं पीसते, वरना फिर वो कोफ्तों के उसमें टेक्सचर नहीं आता। देखिए, हमारी जो हमने दाल मिर्च डाली थी लाल वाली, वो लाल मिर्च भी पिस चुकी है अच्छे से। इसी तरीके से हम सारा कीमा पीस लेंगे अपना।
ये देखिए हमारा सारा जो था कीमा वो पिस चुका है और हमने इसे मोटा मोटा पीसा है, ज्यादा बारीक नहीं पीसा। ज्यादा बारीक शामी कबाब नहीं अच्छा लगता। हल्की मारी दाल भी दिख रही है, जैसे कि आप गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर आके मैंने दो बड़े प्याज लिए जिसे चौकोर डाइस में काट लिया था और ये बारीक मिर्चें काटी है मैंने, तीन चार मिर्च आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपने कहा आपको कम पसंद है मिर्च तो आप कम डालिए, आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डालिए। मुझे मीडियम पसंद है तो मैं मीडियम मिर्च डालूंगी। और ये हरा धनिया, ये भी मैंने एक बड़ी प्लेट के अकॉर्डिंग है। आजकल तो विंटर सीजन है तो बहुत ज्यादा अच्छा हरा धनिया आ रहा है। और ये चने का आटा है, वैसे तो इसमें चने की दाल डली है तो जरूरत नहीं है, मगर फ्लेवर अच्छा आता है तो इसके लिए मैंने इसमें तीन चार चम्मच ऐसी चना मतलब लेकर और इसे पीस लिया है। इस सबको मिक्स कर लेंगे और इस मोमेंट में आके आप नमक चख लेना इसका नमक कैसा है। अगर आपको नमक कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लेना। अब इस सबको मिक्स कर लें हम अच्छे तरीके से। ये देखिएगा, अगर आपको इस मोमेंट में आके आप टेस्ट कर लेना, मेरा तो मैंने टेस्ट कर लिया अपना घीमा, मेरा तो नमक मिर्च ठीक है। अगर आपका नमक मिर्च कम हो तो आप ज्यादा और ऐड कर लेना। अगर इक्का दुक्का आपको ऐसी मिर्च दिखे या तो कीमे में से ऐड कर देना, कोई बात नहीं। और फिर इसे हम, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया हमारा गरम मसाला वगैरह तो जो हमने इसमें पीस के डाला था। और अब छोटी छोटी सी हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे, प्लेट में रख देंगे। एक प्लेट दे दो, एक इस टाइप से हम एक छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी टाइप से हम गोल 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 कबाब के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और मैं ये रिफाइंड ऑयल में सेकूंगी, मैं इसे सरसों के तेल में सेकूंगी यानी मस्टर्ड ऑयल में। अगर आप चाहें कि इसमें एक रिफाइंड ऑयल में घी में सेक सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी सेकना। वैसे कबाब पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, सबके साथ अच्छा लगता है, बट मैं अपने बच्चा आज बिरयानी के साथ सर्व करूंगी ये कबाब। तो मैंने बिरयानी बनाई है, एक की रेसिपी मैं आपको अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि दो में बहुत मैसी मैसी हो जाता है, तो इसलिए फिर कभी मैं आपको इंशाल्लाह बिरयानी की भी रेसिपी सेंड करूंगी, अपलोड करूंगी। तो इस टाइप से मैंने 5-6 कबाब बनाऊंगी और फिर उसे एक पैन में सेकूंगी। ये देखिएगा मैंने 5 कबाब बना लिए, अब इसे एक पैन में सेकते हैं। चलिए ये देखिएगा, तब हमने अपना प्रीहीट कर लिया है और इसे स्लो करते हैं। और अब इसमें एक चम्मच रिफाइंड मतलब वो मस्टर्ड ऑयल डालते हैं जिससे हमारा जो शवामी कबाब हम जलाएंगे वो जली नहीं। इसमें एक कबाब और रह सकता है तो एक कबाब और मैं बना लेती हूँ जल्दी से। देखिए जल्दी से मैंने एक कबाब और बना लिया, वो भी इसमें डाल दिया। और चारों तरफ अब हम तेल डाल के यानी मस्टर्ड ऑयल डाल के इसे सेक लेंगे। फ्लेम हमने फुल कर दिया। आप ही बना के देखिए और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको इस तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि अंदर जो इसका जब आप तोड़ेंगे तो अंदर भी इसका एकदम ब्राउन सा कलर आएगा जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये फ्लोर फ्लेम पर ही बस हमारा सिकने वाला है तो हम इसे नहीं पलटेंगे अभी, अभी थोड़े से ही कच्चे हैं, थोड़ा सा तेल और डालते हैं इसमें। ये शैलो ही फ्राई सिकेंगे, डीप फ्राई नहीं सिकते। और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी घर के इन्हीं बर्तनों को दूंगी, मैं वो नॉन स्टिक के पैन कम ही यूज करती हूँ क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो ये देखिएगा हमारे शामी कबाब सिकने की रेंज पे आ गए और अब हम इसे सिकते हैं। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं बस सिकने में, थोड़ा सा तेल हम इसमें और डालेंगे। ये देखिए हमारे शामी कबाब सिकने वाले हैं और बहुत टेस्टी है दिखने में लग रहे हैं, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। आप बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, बहुत जल्दी बनते हैं, 1 घंटे में बनके तैयार हो जाते हैं।
और एक काम करिएगा, आपको रेसिपी अगर आपको टफ लगे थोड़ी सी तो पहले दो बार आप देखिएगा अच्छी तरीके से, सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लीजिएगा, फिर बाद में लगातार डालते जाते हैं तो फिर इतनी मुश्किल नहीं आती और बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप मैंने तो ये मटन कीमे की बनाया, आप बीफ के कीमे की भी बनाइएगा, उसकी भी बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छी रहती है। बस इसमें हड्डी नहीं डालिएगा क्योंकि हड्डी इसमें पिस नहीं पाती और वो मुंह में आती है तो बहुत गंदी लगती है, क्योंकि कबाब में तो हड्डी कोई पसंद ही नहीं करता वैसे भी। तो आप भी बनाइएगा, अच्छे लगे तो प्लीज दूसरे को भी शेयर करिएगा ये भी रेसिपी, और देखिएगा ये कितने अच्छे सीखे। और अगर आप रोटी सिखाती हैं, मैं तो ये बिरयानी के साथ दूंगी, तो मुझे इसमें फ्लेम अब मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया, मैं तो ये बिरयानी के साथ सर्व करूंगी तो फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं है घी की। और अगर आप ये पराठे के साथ या रोटी के साथ या बॉइल चावल के साथ हाँ खाते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डाल लीजिएगा। ये देखिएगा ये हमारे एक साइड से सिक गए हैं, ये बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं हमारे और खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। मगर मुझे बिरयानी बनाना है, मेरे बच्चे कहना है मम्मी जल्दी से बिरयानी बनाइएगा मम्मी फिर खाएंगे, तो फिर आप ठीक है मैं बिरयानी का प्रोसीजर अपना करूंगी। तो फिर चलिए हम इसे कबाब इसमें उतारना भी देखिएगा, ये सारे सीख के हमें एक एक नहीं उतारना, हमें इस प्लेट में लेके इस टाइप से ऐसे अपने कबाब उतार लेना है। और देखिएगा ये देखिएगा कितने लजीज कितने जायकेदार कितने अच्छे कबाब लग रहे हैं हमारे, प्लीज आप भी बना के देखिएगा, अपनी फैमिली में खिलाइएगा, अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को, उनको भी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह पसंद आएंगे। और बताइएगा कमेंट करके कैसे लगे आपको मेरे बनाए हुए कबाब। और चलो फिर ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अपनी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।